आज हम बेसन का चीला बनाएंगे, जिसमें हम मेथी की भाजी और फ्रेश गार्लिक भी डालेंगे। एक कप बेसन लेंगे, जो ग्राम के हिसाब से 90 ग्राम है। हाफ कप मेथी की भाजी है, 1/4 कप फ्रेश ग्रीन गार्लिक है। बेसन में भी बहुत सी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसन वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। बेसन चीला ब्रेकफास्ट में इजी और क्विक बन जाता है। अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कप बेसन लेंगे, उसमें हाफ कप मेथी की भाजी डालेंगे। अभी मेथी की भाजी फ्रेश मिल रही है, तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ग्रीन गार्लिक डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। यदि इसमें मेथी की भाजी ना डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते, प्लेन बेसन के चीले भी बना सकते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ चम्मच जीरा, जीरा खड़ा जीरा ही लेना है, और अजवाइन 1/4 स्पून लेंगे और उसको ऐसे हाथ से रब करके हमें डालना है, और हाफ चम्मच नमक डालेंगे और एक चुटकी हम शुगर भी ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने से चीले क्रिस्पी बनते हैं और मेथी की भाजी का बिटरनेस काटने का काम करता है, लेकिन ये चीले स्वीट नहीं बनेंगे। अब इसको अच्छे से पानी डाल के मिक्स करेंगे। पानी को धीरे धीरे करके ही डालना है। पानी इसमें एक कप बेसन में आधा कप से कम पानी लगेगा। ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फेंट लें। आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी थिक रखनी है। अब एक तवा गरम करेंगे, एक चुटकी सोडा ऐड करेंगे। सोडा ऐड करने से ये चीले बहुत टेस्टी बनते हैं। जैसे हम पकोड़े में सोडा डालते हैं, वैसे हम इस चीले में भी सोडा डाल के बनाएंगे, जिससे कि मेथी की भाजी के कारण मेथी के पकोड़े जैसा टेस्ट आएगा। अब आधा चम्मच ऑयल लगा के इसको हम पेपर नैपकिन से क्लीन कर देंगे, जिससे कि चीले चिपके नहीं। हम इसको बनाते टाइम बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं करने वाले, इसलिए हम पहले ग्रीस करके पेपर से क्लीन कर देंगे, जिससे कि चीले आसानी से निकल जाएं और टूटे नहीं। हमें इस तरीके से धीरे धीरे करके फैलाना है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और छोटे छोटे चीले भी बना सकते हैं। चीले को बनाते टाइम गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, फुल ना रखें, नहीं तो चीले जल जाएंगे। अब इसको पलट लेंगे और पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे ही हमें सारे चीले बना लेने हैं। इन 90 ग्राम बेसन में से कम 4 से 5 चीले बनते हैं। आप अपनी साइज़ के हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। ऐसे करके हम सारे चीले निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बिना तेल के भी चीले एकदम क्रिस्पी बने हैं, और ये 4 चीले बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसको प्लेटिंग करेंगे दही और पुदीने और धनिए की चटनी के साथ। आप घर पे ज़रूर से बनाएं और बताएं कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।